अम्बाला की सेंट्रल जेल में महिला बंदी को लगी गोली SLR से निकली थी। इस बात का खुलासा जेल अधीक्षक संजीव पात्रा ने किया है। उन्होंने बताया दोपहर के समय वह अपनी टीम के साथ महिला वार्ड के बाहर पार्क में बैठे थे। उसी दौरान एक महिला ने शोर मचाया। जब उन्होंने डिप्टी जेलर नीलम को अंदर भेजा तो पता चला कि उसके पैर पर चोट लगी है। तत्काल महिला रीटा को सिटी सिविल अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी टांग से गोली निकली। संजीव पाठक ने बताया कि उन्हें नहीं पता गोली चलाने वाले का टारगेट क्या था, वह स्वयं भी हमलावर गए टारगेट हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि घटना के समय जेल के मुख्य द्वार के बाल संतरी है। इसके अलावा जेल के अंदर मुलाजिमों के पास हथियार नहीं होते। अभी गोली कहां से चली, किसने चलाई और समक्ष किया था, वह नहीं जानते। SP जशनदीप रंधावा ने बताया कि यह घटना की जानकारी मिली है कि जेल में एक महिला बंदी पर गोली चलाई गई है। गोली उसके दाहिने पैर में लगी है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी घर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला से राजीव ऋषि की रिपोर्ट। आज जिला पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी सिविल हॉस्पिटल अम्बाला से कि एक रीटा नाम की लेडी जो कि एक रेप और एक्सटॉर्शन के केस के अंदर अम्बाला जेल के अंदर बंद थी, वो उसको किसी चोट के कारण अम्बाला सिविल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया गया, जिसके मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान पता लगा कि उसको पैर में गोली लगी हुई है। इस इंसिडेंट के ऊपर बलदेव नगर पुलिस स्टेशन द्वारा FIR लॉज करके तफ्तीश की जा रही है। हम हर विषय से, हर एंगल से इस पूरी मैटर की गहनता से तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी जेल के अंदर उस टाइप पे मुलाजिम पोस्टेड थे और जो लेडी ओपन एयर के अंदर बैरक के अंदर मौजूद थी और उसके जो साथी वहाँ पे मौजूद थे, उन सबको हम अनुसंधान के अंदर शामिल कर रहे हैं। और साथ ही जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन है, हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम है, वो भी अपना काम कर रही है। जो CCTV कैमरास वहाँ पे मौजूद हैं, जो जो हमारा आर्मरर है और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको भी हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनसे भी हम हेल्प ले रहे हैं। जो भी फर्दर तथ्य सामने आएंगे आपको शीघ्र ही वो बताए जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।